everyone. Welcome to AITS discussion by Assure IIT. So this is video number 6. देखते हैं आज हम question number 6. यहाँ question number 6 है, which of the following represents identical configuration of the molecule? यहाँ हमें चार molecules दे रखे हैं, जो हमें दे रखे हैं Newman's projection में, right? सबसे पहला step हम करते हैं, इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को सोहर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। अगर हम इन चार मॉलिक्यूल्स की बात करें, यहाँ पे ये जो चार मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, इसमें जो पहला मॉलिक्यूल है इधर, ये कार्बन एक कायरल सेंटर है। बेसिकली कायरल सेंटर कार्बन के केस में क्या होता है, वो कार्बन एटम जिसके ऊपर चार एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट लगे हों। जैसे इस केस में इस कार्बन पे एक लगा है हाइड्रोजन, एक लगा है CH3, एक है C2H5 एंड अनदर इज CH3 होल ट्वाइस। ये चार डिफरेंट एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल में ये हमारा कायरल सेंटर है, इस पे एक H, CH3, देन CH2 CH3 विच इज इथाइल ग्रुप, देन CH3 होल ट्वाइस। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल में यहाँ हमारा एक कायरल सेंटर है H, C2H5, CH3 एंड CH3 होल ट्वाइस। बट इस फोर्थ मॉलिक्यूल की बात करें तो फोर्थ मॉलिक्यूल में हमें कहीं पे भी कोई कायरल सेंटर नहीं दिख रहा, मतलब कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसमें चार अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हों। जैसे इस कार्बन पे तीन CH हैं, इस कार्बन पे दो इथाइल हैं, सिमिलरली इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन हैं, तो इसमें कोई भी कायरल सेंटर हमें नहीं दिख रहा। तो क्लियरली ये मॉलिक्यूल बाकी तीन के जैसा नहीं है, तो इसको हम क्रॉस आउट कर सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं हो सकता बाकियों से। अब बाकी तीन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये जो तीन मॉलिक्यूल्स हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स सिमिलर लग रहे हैं हमें यहाँ पे, बट कायरल सेंटर होने के कारण ये ऐसा भी हो सकता है कि ये एनेंशियोमर्स हो, ऐसा हो सकता है कि एक R हो और दूसरा S हो कोई। तो उसके लिए हमें अब चेक करना होगा इसका R और S कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है, हम प्रायोरिटीज असाइन करते हैं उस कायरल सेंटर के ऊपर, जो अलग अलग एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हैं उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो हमने अभी ग्रुप्स की बात करी थी, तो ग्रुप्स हमारा क्या है, एक H है, CH3, देन इथाइल, देन CH3 होल ट्वाइस। तो फर्स्ट अटैच्ड एटम जो है वो है हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, कार्बन। तो क्लियरली प्रायोरिटी डिसाइड करने का फर्स्ट रूल क्या है कि जो फर्स्ट अटैच्ड एटम है उसका एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी हाई, और जिसका सबसे कम होगा उसकी प्रायोरिटी कम। तो क्लियरली इस रेस में हाइड्रोजन तो सबसे पीछे रह जाएगा, तो हाइड्रोजन तो क्या होगा, फोर्थ प्रायोरिटी। बट बाकी तीनों क्या है, कार्बन। तब सेकंड रूल क्या आता है, अगर फर्स्ट अटैच्ड एटम सेम हो देन वील मूव टू सेकंड अटैच्ड एटम्स। तो सेकंड अटैच्ड एटम्स की बात करें तो CH3 के केस में तीनों क्या है, हाइड्रोजन। C2H5 के केस में एक है कार्बन और दो है हाइड्रोजन, एंड इन केस ऑफ CH3 होल ट्वाइस इट इज कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ दो कार्बन, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इसकी कम, इसकी सबसे कम होगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी हमारी CH3 होल ट्वाइस, सेकंड प्रायोरिटी C2H5 इथाइल ग्रुप की, थर्ड प्रायोरिटी CH3, और फोर्थ प्रायोरिटी क्या होगी, हाइड्रोजन की। तो इस मॉलिक्यूल के केस में फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी इस ग्रुप की, सेकेंड प्रायोरिटी है इस C2H5 की, थर्ड प्रायोरिटी है इस CH3 की, और फोर्थ प्रायोरिटी है इस हाइड्रोजन की। अब R और S कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें चेक करनी है तो सिंपली क्या होता है, फोर्थ प्रायोरिटी वाले एटम के बिल्कुल अपोजिट जाके हम खड़े हो जाएं, राइट, और हम मूवमेंट देखें 1 से 2 से 3। तो इसको मान लीजिए कि कार के स्टेयरिंग व्हील का जो नीचे पाइप जाता है वो होता है फोर्थ प्रायोरिटी एटम, और जो 1, 2, 3 हैं वो स्टेयरिंग व्हील के ऊपर हैं। अब अगर स्टेयरिंग व्हील पे हैं तो हम इसको देखेंगे कहाँ से, इस तरफ से। अब अगर हम यहाँ से इसको देख रहे हैं वाइल गोइंग फ्रॉम 1 to 2 to 3, आपको ये ध्यान रखना है हम खड़े कहाँ हैं, इस फोर्थ प्रायोरिटी के बिल्कुल अपोजिट। तो जब हम मोशन देखेंगे तो यहाँ पे हम कैसा मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज उसके इसके अगेंस्ट में जाके, तो ये क्या हो जाएगा, एस कॉन्फिग्रेशन, राइट। देन सेकेंड मॉलिक्यूल की बात करें तो फोर्थ प्रायोरिटी आइटम है ये हमारा, अगर फोर्थ प्रायोरिटी आइटम ये है तो हम इसके अपोजिट खड़े होंगे, मतलब ये मान लीजिए अगर ये पेपर पे है तो हम पेपर से पीछे खड़े हैं, तो आईपीएस हमारा होगा इसके अपोजिट। अब इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है इसकी, सेकंड प्रायोरिटी इस इथाइल ग्रुप की, और थर्ड प्रायोरिटी इस मिथाइल ग्रुप की। तो 1 से 2 से 3 जब हम मूव कर रहे हैं
देखिए यहां से आपको देखते हुए ये लग सकता है कि हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, बट हम कहां पे खड़े हैं, इस फोर्थ प्रायोरिटी एटम के अपोजिट, पीछे पेज के। तो वाइल गोइंग फ्रॉम 1 to 2 to 3 हमारा मोशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा क्या होगा, एस कॉन्फिगरेशन। सिमिलरली इस थर्ड मॉलिक्यूल की बात करें तो ये है हमारा फोर्थ प्रायोरिटी, यहां ये है फर्स्ट प्रायोरिटी, ये है सेकंड प्रायोरिटी, ये है थर्ड प्रायोरिटी। तो फोर्थ प्रायोरिटी एग्जैक्टली इस पोजीशन में कहां है जैसा फर्स्ट मॉलिक्यूल में था। तो हमारा आईपीस कहां होगा, यहां पे। नाउ गोइंग फ्रॉम 1 to 2 to 3, 1 to 2 to 3 कैसा है मोशन इस केस में भी, एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों क्या है, एस कॉन्फिगरेशन यहां पे। तो इस केस में हमारा जो तीनों मॉलिक्यूल हैं ये क्या है, आइडेंटिकल, क्योंकि तीनों क्या है, एस कॉन्फिगरेशन। इन केस अगर हम बात करें इसी मॉलिक्यूल के अंदर, यहां जो थर्ड था, ये थर्ड फिगर में, इस थर्ड फिगर में अगर ये CH2H5 और CH3 इंटरचेंज कर देते हैं हम, तो उस केस में वाइल गोइंग फ्रॉम 1 to 2 to 3 ये कैसा मोशन हो जाता, क्लॉकवाइज हो जाता फोर्थ के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाता, आर। बट यहां पे हमारा तीनों 1, 2 और 3 मॉलिक्यूल तीनों क्या दे रहे हैं, एस कॉन्फिगरेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड दिस यूजफुल मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इफ यू हैव डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। If you have any question, let us know. We'll solve that question for you. And if you have difficulty in understanding any of the topic in mathematics or chemistry, let us know. We'll make sure to make video on that and it'll convert your weakness into your strength. Thank you for watching. Have a great day.